हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी ठीक हैं। तो हो गई है सुबह, और नई सुबह के साथ में नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और टाइम हो रहा है लगभग 6, मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और मेरी चाय बन रही है। अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को, हम चाय बना रहे हैं। अब वैसे सुबह उठ के मैंने सारा काम किया, सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन, और किचन में जो भी होने वाला है मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी। क्योंकि मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जो मैं जब मैं लाइव आती हूँ ना, तो सब लोग पूछते हैं कि भाभी क्या बना रही हूँ, क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं सबको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और वैसे बन रही है मेरी चाय, क्योंकि पता ना कल मैंने अपने फ्रेंडों को बताया था कि कल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से पूरे बदन में दर्द, सर में दर्द, और मेरे चेहरा भी चेंज हो चुका है। आप लोग देख रहे हो मेरी यहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जुकाम सर्दी की वजह से। यहाँ पे देखो, सब लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई। अचानक परसों मेरी कुछ नहीं था, परसों बिल्कुल सही थी, पर शाम को जैसे ही हुई हल्का हल्का 4 बजे 5 बजे के लगभग मुझे हल्का हल्का सर्दी महसूस होने लगी। फिर उसके बाद में मैंने घर पे रखी थी आधी दवा, कोई दवा रखी थी मैंने, उसको आधी खा ली। फिर जैसे तैसे घंटे 2 घंटे के लिए आराम मिल गया। फिर रात जैसे हुई वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर सुबह में दवा लेने गई थी, तो अब जाके थोड़ा बहुत आराम है। अभी प्रॉपर बिल्कुल सही नहीं हुए हैं, पर थोड़ा बहुत आराम है। वो दवा रखी है, अभी मैं खानी है, तो मैंने सोचा कि पहले चाय रेडी कर लेते हैं। चाय रेडी करने के बाद में, चाय पीने के बाद में फिर दवा सुबह सुबह खा लेते हैं, क्योंकि दवा मतलब खाली पेट नहीं है, कुछ खाने के बाद ही है। तो इसलिए मैं दवा खाने के लिए मैंने चाय बना ली है। सब लोग भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी, चाय दवा भी खा लूँगी, तो इसलिए हम चाय बना रहे हैं। और अभी हम खाना बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं। वैसे जो भी बनाने वाले हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता क्या दोस्तों, जुकाम की वजह से मुझे मतलब कुछ भी खाते हैं ना, तो मुझे स्वाद नहीं मिलता है उसमें। तो इसलिए मैं मतलब कुछ तीखा चटपटा सा बनाऊंगी, मतलब कोई भी सब्जी भी बनाऊंगी ना, तो तीखी चटपटी ही बनाऊंगी। और बन गई हमारी चाय, बात करते करते चाय बन गई। अब हम जा रहे हैं चाय को छानने, छानने के बाद में, पीने के बाद में, दवा खाने के बाद में हम आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो फ्रेंड, अब हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को चाय। फ्रेंड, भाई चाय बन गई है, जा रहे हैं इसको छानने। छानने के बाद में पियेंगे, पीने के बाद में दवा भी खानी है जल्दी से, क्योंकि दवा खाने के लेट हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी बना दूँ। आजकल पता क्या हो रहा है, जहाँ पे मतलब कुछ भी गीला हो या मतलब कहीं मीठी चीज़ रखी हो, तो चीटी चीटा इतनी जल्दी आ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इनको कौन बताने जाता है कि वहाँ पर ये सब है, चलो जल्दी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं जो चींटी चींटा है। मैं जा रही हूँ चाय छानने, क्योंकि चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है। जिसको इसको भैया पीना है वो आ सकता है चाय पीने। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है चाय की, किसको किसको पीना है। छन गई है मेरी चाय फ्रेंड, अब जा रहे हैं पीने। चाय पीने के बाद ही मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रेंड, हम नहा धो के आ चुके हैं,
आप लोग देख सकते हो अभी ये सुबह का टाइम है, सूरज नहीं निकले हैं, तो हम नहा चुके हैं चाय वाय पीने के बाद में। और मेरी सर्दी की वजह से देखो मेरे चेहरे पे भी स्वेलिंग आ चुकी है, कितने ज़्यादा बदलाव हो चुका है। आप लोग देख सकते हो पूरे फेस पे मेरे स्वेलिंग है, यहाँ पे देखो कैसा काला काला, ये देखो यहाँ पे कितनी स्वेलिंग है। ये इतनी ज़्यादा होती नहीं है मेरे फेस पे, ये सब जुकाम की वजह से ही है। और हम जा रहे हैं अब खाने की तैयारी करने, आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी जो मैंने ले ली है काटने के लिए। ये देखो अभी काटेंगे, मैं बैठी हूँ अपने घर के बाहर बिल्कुल सीढ़ी पे, जो ऊपर वाली मेरी सीढ़ी है वहीं पे मैं बैठी हूँ और मैं सब्जी काटने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंडों से कुछ बात भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह ही बिल्कुल 6 बजे कर दी थी, चाय बनाया उसके बाद में मैंने पिया और दवा नहीं खाई है अभी, अब खाना बनाने के बाद में खाएंगे। क्योंकि मैंने भैया से पूछा था तो कह रहे थे कि नहीं दवा भी मत खाओ, खाना खाने के बाद में खाना, क्योंकि पता नहीं क्या है कि बुखार ज़्यादा हो गया था ना, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शरीर में जलन जैसे हो रही थी, तपन जैसे हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कमज़ोरी मुझे महसूस कर रही है। तो मैं कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दवा खा लूँ गर्मी की वजह से चक्कर आने लगे या उल्टियाँ होने लगे, कुछ भी होने लगे, तो मैंने इसी की वजह से दवा नहीं खाई है। और अब खाना खाने के बाद ही मैं हम दवा खाएंगे, तो इसलिए मैंने दवा नहीं खाई है। मैं सोच रही थी कि चाय पीने के बाद में दवा खा लेते हैं। तो मैं अब जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, सब्जी काटने, और सब्जी काटने के बाद भी फिर मुझे खाना बनाना है पूरा। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं सब्जी काट रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरी सब्जी है रखी हुई थी सीढ़ी पे। इतनी सारी मेरी फैमिली के लिए कुंदरू मैंने बनाई है की तैयारी करी है। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड कि मुझे अभी सही होने में लगभग टाइम लग सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें बुखार बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने लेट कर दी थी दवा लेने में, क्योंकि मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पहले एक दो दिन से हल्का हल्का बुखार जैसे महसूस हो रहा था, हल्की हल्की ठंडी लग रही थी, तो मैंने बताया नहीं था कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसी की वजह से लेट हो गए हैं, बुखार ज़्यादा हो गया है। अब दवा मेरी चलेंगी, टाइम लग सकता है, तो मैं अब हो सकता है कि लाइव भी टाइम से ना पाऊँ, मेरे ब्लॉग भी टाइम से ना पहुँचे, तो आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत होना। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, कोई मुझसे मत गुस्सा होना। तो अब जा रहे हैं हम, छत जितनी बातें होनी थी हो गई है, अब जा रहे हैं हम खाना बनाने। खाना बनाने के बाद में फिर मुझे दवा भी खानी है जल्दी से। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे एंड करेंगे, अगला नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे जैसे मतलब तबीयत ठीक होगी सुधार होगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी अब कैसी है कैसी नहीं है। वैसे इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, अगला व्लॉग लेके फिर मिलेंगे नए व्लॉग के में, जैसा भी होगा वैसा आप लोगों को हम दिखाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।